तो भैया ये दोस्तों मैंने ये ले लिया दोनों, ये लिया मैंने और ये लिया। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल आरबी ब्लॉग। एक्चुअली मैं आया था मार्केट तरफ और यहाँ मुझे कुछ अच्छे चीज़ मिल गए तो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है वो सारे। ये सारे ये लोग शायद यूपी से आए हुए हैं और इनका थोड़ा रेट पूछेंगे हम लोग, देखिए क्या बोलते हैं। भैया हेलो, भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी से? यूपी से। अच्छा अच्छा, कंबल का क्या रेट दे रहे हैं? 2000 रुपया। डबल प्लाई है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये कैसे? ये कोशन ये सब पापोज है ना? 100 रुपया जोड़ा है। कम रेट लगेगा? फिक्स रेट है, एकरे का रेट है। ये वाला 200 रुपये। 200 रुपये एक है? अच्छा, ये भी वही है, सेम है। आप लोग यहाँ कितना दिन तक रहोगे? आते हैं चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, आते हैं चले जाते हैं। ये क्या रेट है बताइए तो, इसका पूरा खोलिए। हाँ, क्या रेट है इसका? 400। अभी तो आपने 200 बताया था ना, ये वाला 200। उसको बताए थे 200। अच्छा अच्छा, ये 400 रुपया है, कितना में दे दीजिएगा? 300 पड़ेगा। अच्छा, बेडशीट वगैरह भी बेच रहे हैं क्या? है उसका डबल बेड है ये, कितना रेट है उकरे? देखिए दोस्तों कैसे ये लोग बेचता है। कौन सा कपड़ा क्या है ये? नेक्सा कॉटन। ये तो पता नहीं चल रहा है कौन सा किस टाइप का कॉटन है ये। अच्छा, लग तो रहा है अच्छा चीज है। अच्छा, झूला वूला भी रखे हैं बच्चों का? इसका क्या रेट है? ये डबल बेड का क्या रेट बोले हमको अभी? इसका 350। इसके साथ तकिया कवर भी मिलेगा? पिलो कवर नहीं मिलेगा? अच्छा, कपड़ा तो अच्छा ही लग रहा है, तो देखते हैं इस सब का रेट। ये जो तकिया है गोद में लेने वाला, 200 का जोड़ा जी। 200 का जोड़ा है? जोड़ा है। अच्छा, इसमें रुई कौन सा रहता है आपका? ब्लैक वाला। अच्छा, देखिए ये सब जो है क्या है जो कि हम लोग काफी यूज करते हैं कि कहीं बैठ गए तो हाथों सहारा देने के लिए, ये सब तक क्या है ना। तो क्या रेट लगाइएगा भैया? एक जोड़ी हमको लेना है। 150 रुपये। ये आप लोगों ने सील कर रखा हुआ है या यहाँ से रुई निकल जाएगा? यहाँ अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है कि सिया हुआ नहीं है। सिलाई है, अंदर से रुई निकलेगा नहीं ना? कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, तो हमको रेट लगाइए कुछ ताकि मैं ले सकूं। 150 रुपया थोड़ा कम कीजिए, और थोड़ा कम कीजिए, 120 कर दीजिए हमको। ले लेते हैं एक जोड़ी, देखिए अगर होगा तो दीजिए एक जोड़ी। काम कीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए, कभी थोड़ा रेट आप करोगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ भैया,
बोलो आप, इसको भी एक लेना है हमको। 400 रुपये 350 दे दो। कौन सा? ये वाला। ना ना, उतना आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं भैया, थोड़ा कम कीजिए। तीन सौ का इसको दीजिए हमको, 300 लगाइए, 300 लगाइए, हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक वो लेते हैं। और वो जो आपने दरी रखा है वो थोड़ा दिखाइएगा। हाँ देखें क्या रेट है आपका। अरे दोस्तों हम तो बार्गेनिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या अच्छा क्या रेट बताता है। लेना नहीं लेना बाद की बात है, पहले देख लेते हैं। अच्छा ये दरी है, क्या रेट है भैया? ये दरी 700 रुपये। 700 रुपया देने का रेट, देने का रेट बताओ ना आप। देने का 600 रुपये। 600 में दे दोगे? अच्छा चलो, ये देख सकते हैं यह कपड़ा अच्छा है इसका, वो ठंडे के लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है। कुछ दोस्त कुछ आदमी आए हुए हैं। हाँ चलिए, तो हम कुछ सामान देखते हैं यहाँ और फिर लेके जाते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग। देखिए अब तो चल ही रहा है, बार्गेनिंग चल रहा है इसका। काफ़ी वजन करके देते हैं, 300 रुपया केजी वो कंबल का, 2000 रुपया बताया। और ये जो तकिया है जो कि हम लोग सपोर्ट लेने के लिए इसको रखते हैं, दीवान उवान पे लगाते हैं, वो सारे तकिया 150 रुपया है जोड़ा। देखते हैं क्या वाजिद होगा मेरे लिए, अगर ठीक रहेगा तो मैं ले लूँगा। देखिए बार्गेनिंग चल रहा है, काफ़ी सारे आए हुए कस्टमर। देखिए ये लोग आए हुए हैं, वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, मैंने तो 300 रुपये पर बार्गेनिंग दिया हुआ है। चलिए हम ले रहे हैं, अभी लेने वाले हैं यहाँ से। सोच रहा था कि भाई इसको ले लूँ, तो मैं ले रहा हूँ अभी, मैं ये कलर ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये कलर मैं ले रहा हूँ। और इस तकिया का जो जोड़ी है वो उसको मैं ले रहा हूँ। चलिए तो हम निकलते हैं यहाँ से, खरीदारी हमने कर लिया और इसको लेके मैं निकलूँगा घर। चले खरीदारी हो चुका है, अब मैं निकल रहा हूँ। ये सब हो गया, मैंने एक इसको लिया तकिया, एक जोड़ी मैंने ले लिया, अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग पे, तो बाय एवरीवन। सो दोस्तों आपने वीडियो देखा और आपको ये महसूस हुआ होगा कि काफ़ी नॉइज़ आया है, और हाँ ये नॉइज़ आ गया है मेरे जाने अनजाने, और मैंने कोशिश किया था कि नॉइज़ ना आए, लेकिन क्योंकि मैं रास्ते पे ही ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया था और मुझे ये सेंस में नहीं था कि काफ़ी सारा साउंड आएगा मोटर गाड़ी का, सो उसके लिए बहुत खेद है। और मैं इसका उपाय कुछ कर रहा हूँ, मैं हालांकि एक माइक मैंने ख़रीदा था लेकिन उसका वॉइस क्लैरिटी अच्छा नहीं था, जिसके चलते मैंने उसको वापस कर दिया। अब मैं देखता हूँ दूसरा कुछ उपाय, कुछ न्यू ब्रांड अच्छा ब्रांड का कुछ माइक में अगर अवेलेबल होगा तो मैं उसको मंगवाऊँगा, और मैं उसी से ट्राई करूँगा कि नॉइज़ पॉल्यूशन कम से कम हो और आपको वीडियो अच्छा लगे। हालांकि आप हमें काफ़ी सराहे हैं और सराह भी रहे हैं, हर वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, कॉमेंट भी कर रहे हैं और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि और थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट मिल जाए। और आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट है ये मैं मानता हूँ, और आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिएगा आगे भी। और दोस्तों ये सारा क्रेडिट आप ही को जाता है, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया मुझे और आज तक सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहिएगा, मैं जानता हूँ। सो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल। सो नमस्ते दोस्तों, बाय एवरीवन, और सब खुश रहें, आबाद रहें और
सभी इंजॉय करें, अपने लाइफ को बढ़िया से इंजॉय करें, हर पल को इंजॉय करें। तो तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।